नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। कैमरा ना होता तो फंस सकता था ट्रक ड्राइवर, इन मदमस्त चाल वालों का क्या करें। दोस्तों, एक तरफ देश में हिट एंड रन कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। पिछले 10 से 15 दिनों से लगभग देश के हर कोने से ये खबर आ रही है कि इस नए कानून का विरोध हो रहा, और इन सब विरोध के बीच ऐसी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसने रोड का सच बयां कर दिया। जी हाँ, रोड का सच, और ये भी बता दिया है कि किस लिए रोड पर स्टडी करने की जरूरत है, प्रशासन या सरकार द्वारा, या और भी सहूलियत देने की जरूरत है। सिर्फ कानून लागू करने से नहीं होगा, सुविधाएं देनी होंगी, सहूलियतें देनी होंगी। किस तरह की सहूलियतें देनी होंगी, जरा इस वीडियो को देखिए, फिर समझ में आएगा। देख लिया आपने इस वीडियो को, देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये ट्रक में लगे एक सीसीटीवी की फुटेज। 11 जनवरी इसमें डेट नजर आ रही है, शाम के लगभग 5:50 की घटना है। अब देखिए ड्राइवर किस डर की वजह से इस नए हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं, समझिए जरा। अब यहाँ पर ट्रक ड्राइवर बेहद आराम से चल रहा है, बिल्कुल सतर्कता के साथ। उसके सामने एक मोटरसाइकिल चल रही है जिस पर एक महिला पीछे बैठी हुई है, और उस वाहन को कोई व्यक्ति चला रहा है। हालांकि इसने यहां पर लापरवाही की हुई है कि हेलमेट नहीं पहना है, लेकिन उससे भी बड़ी लापरवाही आपको नजर आएगी पीछे से जो चल कर आया है, छोटा हाथी उसकी। जी हाँ, देखिए कितनी हानिकारक तरीके से, कितनी ही लापरवाही से वो पीछे से आया, पूरी रफ्तार से आया और अचानक बाइक वाले को टक्कर मारकर चला गया। अब यहाँ पर दोष किसका दें? अब यहाँ पर रोड की सच्चाई ये सामने आई है कि रोड पर अगर आप निकलते हैं तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। बस उस सच को सामने कैसे लाया जाए कि किसकी वजह से क्या हुआ। बेशक सीसीटीवी लगाइए, जगह जगह रोड पर सीसीटीवी लग सकते हैं, कैमरे सरकार को लगाने चाहिए, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इन सब की वजह से एक्सीडेंट कम नहीं होंगे, क्योंकि एक्सीडेंट होता है किसी की लापरवाही की वजह से। वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से पीछे से ओवरटेक करते हुए काल बनकर ये छोटा हाथी वाला आया और उस मोटरसाइकिल से जा भिड़ा। सतर्कता से चलने वाला ट्रक ड्राइवर वहां पर उतरा, बड़े आराम से सामने से भी एक ट्रक ड्राइवर उतरा और उसने जाकर उस पीड़ित की मदद की जिसका एक्सीडेंट हुआ था। सोचिए अगर यहाँ सीसीटीवी ना होता तो क्या होता? हो सकता था ट्रक ड्राइवर को ही दोषी बता दिया जाता, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हमारे यहाँ तो भेड़ चाल है, बस देखा कि ये हुआ है, किसी ने शोर मचा दिया, हो हल्ला कर दिया और लग गए पीछे, बिना किसी तथ्य को जाने, बिना किसी सच को जाने। बस इसी बात से ट्रक ड्राइवर और पूरी ड्राइवर कम्युनिटी डरी हुई है इस हिट एंड रन कानून से। हे बघ अमित शाह, ही गाड़ी इथे उभी आहे, हा ड्रायव्हर इथे पंक्चर काढत होता, हे बघ उभी आहे का नाही इथं, पंक्चर काढतो, हे बघ फोर व्हीलर कोणी स्पीड नाही येऊन या गाडीला पाठीमागून ठोकली याने, समजता ना, या गाडीची हालत दाखवतो मी तुम्हाला आता, थांबा, या गाडीची हालत बघा, या गाडीची, तो ड्रायव्हरवर 7 लाख रुपये जुर्माना मारतोय, 10 वर्ष सजा, हा हे बघ, हे झोपी चाललं का, ह्या अशा गाड्या चालवतात, बघ या गाडीची हालत बघ, घे अमित शाह, बघ या गाडीची हालत बघ, या ड्रायव्हरची काय गलती, तो ड्रायव्हर पंक्चर काढतोय साईडला ट्रक घेऊन, हा इंगोली ते वाशिम समृद्धी हवे आहे, अरे वरती ब्रिज वरती खाली नाहीये, हे बघ ही गाड़ी नंबर है बघ। ऐसे में ट्रक ड्राइवरों या सभी ड्राइवरों को ये तो करना होगा कि सीसीटीवी लगा लें, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि सीसीटीवी लगाने का मतलब ये नहीं है कि हादसे नहीं होंगे। सीसीटीवी केवल इसलिए है कि कोई ना कोई बात और सच सामने आ सके, आप दोषी हैं या नहीं ये पता लगाया जा सके, और रोड पर निकले तो हादसे होंगे ही ये मान कर चलिए। बस आपको कोशिश ये करनी है कि लापरवाही नहीं करनी है, और अगर हादसे होते हैं तो इंश्योरेंस जरूर रखिए,
और इंश्योरेंस करवाने के लिए ट्रांसपोर्ट मॉल पर संपर्क कर सकते हैं 9831 9831 पर। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे देना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।